जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मेथ अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली ये है आरपीएफ कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आने वाली है 2021 की, उसके बारे में। दोस्तों इसके बारे में अगर आप चैनल पे पहली बार, तो अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि आपको जितने भी मैं वैकेंसी के बारे में बताता हूँ उनके बारे में नोटिफिकेशन, उनकी जो PDF फाइलें हैं वो उधर मैं टेलीग्राम ग्रुप पे देता रहता हूँ, तो उसका लिंक नीचे है। तो आप सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि जो भी मैं वैकेंसी यहाँ बताता हूँ उसका जो क्राइटेरिया है, क्या क्या फिजिकल क्राइटेरिया, क्या उसके मापदंड है, उसकी सभी की जो PDF है वो सभी मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए दोस्तों। तो आरपीएफ कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आने वाली है, आप सभी को पता है कि इसके फॉर्म भी मार्च में स्टार्ट होने वाले हैं, इसकी नोटिफिकेशन भी मार्च में आने वाली है, और उसमें 11,000 के समथिंग ये पोस्ट आने वाली है। दोस्तों इसके जो पेपर है, आप सभी को पता है कि जितने भी बच्चे SSGD की तैयारी कर रहे हैं या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं कोई भी अदर एग्ज़ाम की, वो आरपीएफ कांस्टेबल की एग्ज़ाम भी तैयारी कर सकता है। इसका जो एग्ज़ाम है वो भी काफ़ी लैंग्वेज में होता है, चाहे वो ऑल इंडिया में कहीं पे भी हो, कोई से भी स्टेट से बिलोंग करता है वो इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकता है। दोस्तों इसका थोड़ा फिजिकल थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन जिन बच्चों का फिजिकल अच्छा है वो जरूर ट्राई करें आरपीएफ कांस्टेबल में। 11,000 के समथिंग ये पदों की वैकेंसी है, और इसके फॉर्म भी SSGD के साथ ही मार्च महीने में स्टार्ट होने वाले हैं। साथ में इसका जो एग्ज़ाम होता है, आप सभी को पता है 120 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 90 मिनट होता है। SC ST के लिए कम से कम स्कोर इसमें 30-35% आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी आपका पासिंग माना जाएगा। इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग भी होती है, लेकिन जिनका फिजिकल अच्छा होता है उनके लिए आरपीएफ कांस्टेबल बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसके फिजिकल में काफ़ी बच्चे बाहर हो जाते हैं। इसमें लॉन्ग जंप हाई जंप भी है, इसकी वजह से काफ़ी बच्चे फिजिकल में ही बाहर हो जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो सिलेबस, उसमें मैथ रीजनिंग और GK, ये कुछ अलग कुछ आपको तैयार करनी नहीं है दोस्तों, ये नॉर्मल सा सिलेबस है जो आपको तैयार करना है। इसकी हाइट कैटेगरिया, इसके बारे में हाइट कैटेगरिया या वेट कैटेगरिया, चेस्ट तो आप सभी को पता है 81 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, हाइट 170 इसकी है। उसके अलावा कुछ नॉर्थ ईस्ट वाले या कुछ अलग अलग इलाकों में इसकी हाइट का क्राइटेरिया अलग अलग कम किया गया है, SC ST वालों के लिए और कम है, तो मतलब हाइट में भी काफ़ी अच्छी छूट दी गई है, यानी जिनकी 170 से कम भी हाइट है वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों अलग अलग कैटेगरी वाइज इसकी जो पूरी की पूरी PDF फाइल है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप पढ़ लेना। अगर आपके इसके लिए एलिजिबल होते तो आप ज़रूर इसकी तैयारी करिए दोस्तों, क्योंकि इसके भी फॉर्म मार्च महीने में शुरू होने वाले हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, इसमें कुछ अलग है नहीं। आप जो जिस पेपर की तैयारी करो उसमें साथ में कंपलसरी इसकी तैयारी हो सकती है, और अगर आप किस्मत अच्छे हो तो आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हो। दोस्तों जय हिंद।